अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। बात ये कि ये जो मेंटेनेंस वर्क के नाम पर हर महीने के आखिरी 10 दिन तो इतना ख्वार करते हैं कि हर दूसरे दिन उन्होंने मेंटेनेंस के नाम पर वो लिया हुआ होता है और दफ्तर में लूडो खेल रहे होते हैं। ठीक है, ये एक शिकायत भी आम है आपके, जब बिजली चली जाए उसके बाद जो सब डिविजन का जो बंदा है वो तो फोन उठाता ही नहीं है, उसने फोन एंगेज कर दिया, जान छुड़ा ली अपनी, SDO को फोन करो, LS को फोन करो, वो कोई नहीं, मतलब उसके बाद हमें आप तक पहुंचना पड़ता है। इसकी शिकायत इतनी है दादा कि आप उनको इन चीज़ों को देख लीजिए। एक तो सर बिल्कुल मेरे पास शिकायत पहुंचे, पिछले दो रात पहले भी एक मिसहैप हुआ है, वो ये हुआ है कि सूरजगंज बाजार और दूसरा कोई 8-10 घंटे बिजली बंद रही है, ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। हम इधर मॉनिटरिंग टीम मैंने बना दी है, नंबर वन कोई परमिट ऑन मेंटेनेंस इशू नहीं होगा। सर थोड़ा सा इनके पूरे बातों का रिस्पांस कर दूँ, कोई मेंटेनेंस परमिट इशू नहीं होगा सिवाय एमरजेंसी के। अभी भी ये हमारा ये कौन सा फीडर है जो अभी परमिट मांग रहे थे ना, नहीं दूसरा वो यार ये तार टूट गया ना, मतलब चश्मा फीडर का तार टूट गया ग्रिड के साथ ही, अब उसमें 4-5 फीडर इफेक्ट होने हैं। सुबह से मैंने कहा रिटर्न दो कि टाइमिंग क्या होगी, लिख कर दोगे कितनी टाइमिंग कंप्लीट करोगे, 4-5 फीटर बंद होना है। उन्होंने लिख कर दिया 50 मिनट में हम इसको क्लियर कर देंगे। अभी मैंने लोग क्या परमिट, ताकि मैंने कहा वो चश्मा का फीटर भी चल जाए। दूसरा ये फीटर था उस पर 5 इफेक्ट होने थे, ये हमने DHA की लाइनें हटानी थी, उन्होंने 1 बजे से परमिट लेना था लेकिन मैंने स्टॉप कर दिया। मैंने कहा परमिट होगा तो सुबह 8 बजे होगा और 10-11 बजे तक कैंसिल होगा, वो भी एमरजेंसी में DHA की लाइन हटाने दी। बाकी मेंटेनेंस के वर्क पर इस महीने किसी को परमिट इशू नहीं किया जाएगा, नंबर एक। जहाँ तक आपने कहा उसको हम ओन करते हैं, हमारी गलतियाँ हैं, वो बंदे रपरा बंदे हैं स्टाफ वाले, इसी वजह से मुझे हमें ऑनलाइन आना पड़ा, पूरी Qesco इंतज़ामिया को आपसे डायरेक्ट रब्ता करना पड़ा कि आप मेहरबानी करके हमारे नंबर हैं वहाँ इशू हैं तो बिल्कुल आप हमारे साथ बात कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह मैसेज का भी जवाब आएगा, कंप्लेंट्स भी आएगी और उस बंदे के खिलाफ एक्शन भी होगा। सर ये कि रोजाना ही हम तो टीवी अखबार में लिखते हैं खबर जिसमें लिखा होता है कि आज प्लाज्मा इलाके में बिजली बंद रहेगी, इसलिए कि मेंटेनेंस करेंगे सिस्टम जो आपका तार जो भी वायर ठीक करें, लेकिन देखा यह गया है कि बारिश का पहला खतरा गिरता है और वो मेंटेनेंस हद से उठ, किस चीज़ की मेंटेनेंस करते हैं कि पहले बारिश शुरू हुई थी, बारिश में आना शुरू किया तो सर मैं आपको इसका रिस्पांस इस तरह करूंगा। सर पिछली दफ़ा बारिशें आई, आपने देखा रात को भी हमारी टीमें काम कर रही थी, दिन भी कर रही थी, और 174 ट्रांसफार्मर शहर शहर के मैंने रिप्लेस किए जो जले थे। आप उसकी टाइमिंग की है, एवरेज टाइमिंग जो मैंने कैलकुलेट की है वो 4 से 6 घंटे बनती है उस रिप्लेसमेंट में, बारिश के दौर में जहाँ के पानी खड़ा है। और सूरत हाल ये होती है सर, पिछली दफ़ा का बारिश का गिला आपका जायज़ है, वो ये है क्योंकि जब बारिशें होती हैं बारिश में हम काम नहीं करते सर, सिक्योरिटी मस्ट है, हमारे बंदे काम नहीं करते। फिर बारिश के बाद जो बूंदाबांदी शुरू हो जाती है उसमें भी लाइन पर चढ़ने के लिए हमारे काफ़ी मुश्किल होती हैं और लाइन को पेट्रोल करने के भी काफ़ी मुश्किल होती हैं। इस बारिश में आप लोगों को इसमें कोई शक नहीं है कि तकलीफ हुई, लेकिन उसमें दानिस्ता तकलीफ नहीं थी या इनएफिशिएंसी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ माहौल की वजह से 6-6, 8-8 घंटे बारिश रही है, उस बारिश में हम चला नहीं सकते थे और इंशाल्लाह हम इसको कर भी रहे हैं। अभी हमने 200 के ट्रांसफार्मर भी 15-16 आपके शहर में रिप्लेस किए हैं, कोई बाकी भी कर रहे हैं और हमारी इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि ये इस तरह की शिकायत आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। सर डॉक्टर साहब एक और शिकायत ये है कि ये जो ट्रांसफार्मर जलता है किसी इलाके का तो उसके बाद वो वहाँ फिर कोई मोतबर या कोई मदद मुल्ला या कोई Qesco वालों के साथ मिलकर पैसे इकट्ठा करते हैं कि जी मतलब पैसे देते हैं हमें 15,000, 20,000, 30,000 तो हम ट्रांसफार्मर जल्दी बना देंगे, अगर पैसे नहीं मिले तो वो 15 दिन में बनता है, अगर पैसे मिल गए तो 2 दिन में बन जाता है। इसी शिकायत पर मैंने आपको टाइम फ्रेम दे दिया है, ट्रांसफार्मर रिप्लेस का, बहर का भी, इधर का भी टाइम फ्रेम दे दिया है ताकि कोई बंदा इसको मैनिपुलेट ना करे। उसके टाइम फ्रेम सिर्फ रमजान में रहेगा फॉर एवर सर, गर्मी में भी यही चलेगा, गर्मी में इधर ज्यादा होता है, गर्मी में भी यही रहेगा सर। बड़ा साहब बल्कि अपना
सर कोटा के अलावा बाकी जगहों पे भी वो लोगों की शिकायत है, मेरा इलाका है जो मैं वैसे हार तो इतनी दिनों से मैं जाता हूँ वहाँ पे सिर्फ 7 से 8 घंटे बिजली परम चलती है, तो सर ये लोग क्या करें? सर उसमें मैं इस तरह रिस्पॉन्स करूँगा, सर मैंने पहले अर्ज किया है मैक्सिमम ट्यूबवेल रूलर है, वह ट्यूबवेल मैक्सिमम है, उसमें बात यह है कि मैंने पिछले दफ़ा रजिस्ट किया था कि उसमें जो डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं वो भी उसी तरह सफ़र करते हैं जिस तरह हम उन्होंने 8 घंटे बिजली देनी है। मैक्सिमम ट्यूबवेल मैंने कहा है मेरे 622 ट्यूबवेलों में से 422 ट्यूबवेल क्यों रुके, क्या कितना हो गया 2/3 ट्यूबवेल हैं, उन पर जो डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं उनको भी तो हमने 8 घंटे बिजली मिलेगी ना सर। बाकी हमारा जो दूसरा तरीका है जो कमर्शियल डोमिनेटेड हैं, इंडस्ट्रियल डोमिनेटेड हैं या डोमेस्टिक डोमिनेटेड फीडर हैं, उन पर हमने एज पर ATC मैंने पहले अर्ज़ किया है, पहले हो रही थी 12 घंटे उन पर लोड शेडिंग, अब उसको कम करके हमने 7 घंटे कर दिए है, जिनका ATC लास्ट 90% है सर। भट्टर साहब ये जो आप कह रहे हैं कि हार्ट गेट के लोड शेडिंग जहाँ पे भी ट्यूबवेल हैं जो जरात जो ज़रूरी इलाके हैं वहाँ पे वो 8 घंटे की जो बिजली है वो भी नहीं मिलती है। अभी अगर आप एग्जाम्पल ले लें तो मैं आपको वो इलाके भी दिखा देता हूँ कि अभी भी वहाँ पे अगर 8 घंटे में 4 घंटे लोड शेडिंग बिजली दी जाती है वो भी वोल्टेज की कमी और बेशी की वजह से। और फिर दूसरा सवाल ये है कि जो इलाके ट्यूबवेल के आप कह रहे हैं वो तो अक्सर अभी सोलर सिस्टम पे ट्रांसफर हो गए, अब बिजली की मसला क्यों हल नहीं? लोगों ने बिल्कुल बिजली छोड़ दी, सोलर सिस्टम भी वो कर आगे सर मैं रिस्पॉन्स करूँगा इनको। इनका क्वेश्चन ये है कि जो डोमेस्टिक वाले हैं और जो ट्यूबवेल वाले 4 घंटे मिलते हैं, नहीं हमने फीडरों को 8 घंटे बिजली देने ग्रिड से। इस वक्त मेरे तकरीबन 9,500 ट्यूबवेलों की लिस्ट भेजी है, 9,500 ट्यूबवेलों की लिस्ट भेजी है चीफ सेक्रेटरी साहब को, उधर ये इलीगल गैर कानूनी ट्यूबवेल हैं जो लगे हुए हैं, वैसे 12-13,000 लगे हुए हैं, उनको कोई काट नहीं देता और फीडरों पर एक लिमिट है, इस एक फीडर पर मेरे 100-150 लीगल ट्यूबवेल चल रहे हैं, अब 200 इलीगल भी उस पर लग गए हैं, उससे ये हुआ है कि वो फीडर ट्रिप करता है। उन्होंने अपनी मैनेजमेंट से अपने तरीके से एक सिस्टम बनाया हुआ है भी 4 घंटे इस ब्रांच को दे देंगे, हम 4 घंटे इस ब्रांच को देंगे, जिस जो वो फिर परसेप्शन यही की जाती है कि हमें 4 घंटे बिजली मिल रही है जबकि ग्रिड से हमारी 8 घंटे बिजली पूरी चल रही है। 27,274 हमारे ट्यूबवेल्स हैं जो सब्सिडी पर हैं, उसके आगे 9,000 की हमने लिस्ट भेजी है, 9,223 की, और उसके बाद 3-4,000 ऐसे भी हैं जिनकी लिस्ट हमें नहीं मिल रही विद नेम, ये बोगा इलीगल ट्यूबवेल है, इसको हम कैस को काट नहीं सकता, उधर हमें कहीं से हेल्प नहीं मिलती कि उनको काटा जाए ट्यूबवेल। सर ये सवाल ये है जो गैर कानूनी ट्यूबवेल की आप डिमांड कर रहे हैं कि गैर कानूनी ट्यूबवेल है, वहाँ भी आपके अफसरान उनके साथ मिले भगत कर रहे हैं, जो पैसे देते हैं उनके नहीं काटे जाते, जो पैसे नहीं देते उनके काटे जाते हैं, ये भी तो सवाल है, ये भी तो आपकी जिम्मेदारी। मैं ऑन करता हूँ उसके, इसी वजह से मैंने शो काजेज किए हुए हैं, ऑन रिकॉर्ड है, एक्शन टेक कर रहा हूँ उनके खिलाफ, और इंशाल्लाह उनको सजाएं भी हम दे रहे हैं, देंगे भी सही, जो बंदे जो कानूनी तरीका है हम उसको अडॉप्ट किया हुआ है। सर कितने बंदों को शोकाज दिया और कितनों के खिलाफ कार्रवाई? सर इस वक्त जो एग्जैक्ट फिगर हैं रफ जो मेरे आगे में हैं, जो मेरे अख्तियार 17 एंड अबव के हैं, कम अज़ कम 150 से 200 शोकाज मैंने इशू किए हुए हैं लोगों को, इसी वजह से कि उनकी प्रोग्रेस ठीक नहीं है। ट्रांसमिशन लाइन CPEC से हमें नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल पाएगी, ट्रांसमिशन लाइन नहीं है हमारे पास, कहा जाता है असेंबली में भी हमेशा ये पॉइंट रेज हुआ है कि आप सिर्फ 650 MW हमें सप्लाई कर सकते हैं, तो क्या ट्रांसमिशन लाइन अपडेट करने के लिए आप लोग कोई मैकेनिज्म बना रहे हैं या कोई? सर मैं आज शाम से लोड शेडिंग के उसको इंतजार कर रहा हूँ, 2 हफ्ता पहले हमारी जो सिस्टम हमने चलाया उसमें बात यह है कि हमने 1700 से 1700 ट्रांसमिशन लाइन में पास किया, ठीक है ना जी, उसके बाद हमारे पास कोई कमी, मैंने पहले अर्ज़ किया है कि कोई कमी नहीं है बिजली की, हमें जितनी डिमांड होती है मिलती है, कमी सिर्फ यही है कि जो फिर मैं कहूँगा कि थोड़ा सा इलीगल ट्यूबल प्लस पेमेंट्स, उसको मैंने पहले कहा है कि लोड शेडिंग की जाती है AT&C लॉस पर, इसका मकसद एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस, रिकवरी कितनी है उस पर, थेफ्ट कितनी है, मैं कह रहा हूँ हमारे मेरे 400 फीडर 450 फीडर ऐसे हैं जिनका लॉस 90% है, उनमें 90% लॉस है, और इसी वजह से बिजली की कमी नहीं है जी, ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ना हमारे पास, और उसकी जहाँ तक तरसील है वो भी मैंने कहा है 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट उसे 220 kV आ रही है, हम मुकम्मल तरसील कर सकते हैं, जितनी डिमांड होगी हम उसको तरसील कर सकते हैं। सर रमजान से पहले हमेशा इस तरह की
प्रेस रिलीज की शक्ल में हम आते हैं हमारे सामने कि उस वक्त तो छोटा दावा होता है, आज आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, फिर लेकिन उस पर अमल दरामद माजी में नहीं होता रहा। इस मरतबा आप किस तरह इंश्योर करेंगे कि इस पर अमल दरामद अगर नहीं होता उन अफसरान से भी लेंगे और इंशाल्लाह मैं मिड में आपका मिड रमजान में आपकी अफ्तार पार्टी भी रखूंगा, आपसे फिर पूछूंगा। सर बताएं जितने भी गैर फाल ट्यूबवेल्स हैं या जिसको जिसके ट्रांसफार्मर उतार दिए गए उसको फिर फॉर फाल किया जाए, तो आप स्पीकर की रूलिंग पर किस तरह अमल दरामद? सर हमारे पास रिटर्न नहीं आई, सर रिटर्न आएगी क्यों नहीं एक्चुअली अमल दरामद करेंगे सर जो हम आपके कैस्को के जिम्मे वाजिब अदा रकम कितनी है? मैं आपको अर्ज कर दूं सर, इस वक्त मेरी जो कैस्को के जिम्मे नहीं कैस्को ने जो लेने हैं सर, सर वो अर्ज ये है कि हमारा कैस्को के उसके हवाले से मैं आपको बता दूं सर, बात ये है कि हमारा जो है ना जी जो ट्यूबवेल हमारा थोड़ा सा मैं आपको बता दूं सर, सर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इधर सारा कुछ एक टेक्निकल बात है मैं उसे एक्सप्लेन करने लगा हूं सर। हमारे जो ट्यूबवेल की सब्सिडी है वो एक्निक, ज़रा दो मिनट का एक्निक और इनसे मैं भी अप्लाई हुई, वो थी कि 70,000 रुपए पर हम अमाउंट कैप कर रहे हैं, 75,000 पर 65,000 देगा अपना 60% गवर्नमेंट बलूचिस्तान, 40% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और 10,000 भरेगा कंज्यूमर बशर्ते के वो 30 आसपास मोटर लगाए और 7,000 यूनिट चलाए। अब मोटरें आपको पता है वाटर लेवल 10 साल पहले का एग्रीमेंट है, वाटर लेवल 1200 फुट पर चला गया है। मेरे पास डिप्टी कमिश्नर के वेटेड हैं, मेरे पास एनर्जी डिपार्टमेंट के लोगों के उनके नुमाइंदों के साथ वेटेड हैं कि मोटरें 60 आसपास ऊपर लगी हुई हैं और इलाके में आप जानते भी होंगे। उसका बिल बन जाता है 1,20,000-25,000 अगर 8 घंटे बिजली दें, उसमें उनके जबकि जो जिम्मेदारान हैं हमारे मोहतरम हैं वो 1 रुपया पेमेंट नहीं करते। पिछले 2 साल से गवर्नमेंट बलूचिस्तान की कोई सब्सिडी हमें नहीं मिली, वो भी उनके साथ पेंडिंग है। और इस तरह जब ये हमारे 211 अरब रुपया पिछले 4-5 साल का ये हमारा जिम्मेदार अगेंस्ट खड़ा हुआ है, 211 अरब रुपया ये खड़ा हुआ है उनके अगेंस्ट, लेकिन पेमेंट नहीं आती सर। इसी तरह हमारा तकरीबन 17 अरब रुपया इस साल का सब्सिडी का गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और हमारे रिकनसाइल्ड बिल 3.5 अरब के हैं जो उनके 17 अरब रुपया जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की सब्सिडी बनती है इस साल की वो हमें नहीं मिली। और उसके बाद हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के कनेक्शंस हैं 2,800 से ऊपर के हैं उनमें 3.5 अरब रुपया हमारा रिकनसाइल्ड म्यूचुअली एग्रीमेंट है वो भी नहीं मिला, और पूरे बाकी भी हमारा तकरीबन 10 अरब रुपया है वो हमें नहीं मिला। 2,000 जो सरकारी मीटर कनेक्शन है पूरे बलूचिस्तान की बात करूँगा, 13.5 अरब रुपये हो गए। हाँ किसके सर ये तक अप्रॉक्सीमेट 13 अरब रुपए है वो हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के जिम्मे उनके महकमों के बनते हैं, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग होगी मेन उनकी और नंबर 1 नंबर 2 बाकी बहुत सारे महकमों के हैं वो हमें पेमेंट नहीं होती। मेन कंज्यूमर हमारे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है, कनेक्शन भी नहीं काट सकते, पानी का इशू खड़ा हो जाता है। वैसे भी हमारी कोशिश ये है कि हमें पेमेंट मिल जाए, उस साइड पर ना ट्यूबवेल हम काट रहे हैं ना ये काट रहे हैं ना काटेंगे। हाँ जी दुबई, हाँ जी इसमें इस वक्त जो कैस्को के टोटल वाज बात हैं वो तकरीबन पिछले थ्रू आउट फ्राम दी कैस्को टू अप टू डेट 20-25 288 अरब रुपये, 288 अरब रुपये ये पिछले 15-20 साल से। हाँ इसमें हमारे जो कमर्शियल और डोमेस्टिक के जो कंज्यूमर हैं उनके अगेंस्ट बकायदा पिछले 14 अरब रुपए।